वाले शहर में आग्या लाग्या बेल घुमाने को। अरे एक मल शहर में आग्या लाग्या बेल घुमाने को। अरे एक मल शहर में आग्या लाग्या बेल घुमाने को। अरे बेल घुमाने को वो लाग्या बेल घुमाने को। बेल घुमाने को वो लाग्या बेल घुमाने को। शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। मल का मतलब होता है पहलवान। अब उस पहलवान की चिल्लाहट सुनकर उसकी जोर जोर आवाज सुनकर सारा नगर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। लड़ लोगे तो नहीं से खेरे, जे लड़ लोगे तो नहीं से खेरे। इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़ लोगे तो नहीं से खेरे। ओ वने लंगर दिया फेर लग्या हो बोर जिमाने को। अरे एक मल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। पहुंच गया कचेरी ठेठ, पहुंच गया कचेरी ठेठ। ला दे दे मेरा रुपया भेंट, ला दे दे मेरा रुपया भेंट। पहुंच गया कचेरी ठेठ, ला दे दे मेरा रुपया भेंट। सबे अरे सबे मर्द करे ना मेट लग्या वो बोर जिमाने को। अरे एक मल शहर में आ गया लाग्या बेल दबाने को। अरे एक मल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। चितरू कहे टल्या ना टाला, चितरू कहे टल्या ना टाला। लड़ा नहीं राजा का, लड़ा नहीं राजा का साला। चितरू कहे टल्या नहीं टाला, लड़ा नहीं राजा का साला। अरे वो ओ वो भीम उठ के चल्या उसकी बेल दबाने को। अरे मल शेर में आ गया बेल घुमाने को। अरे के मल शेर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। अरे बेल घुमाने रतावड़ कर के भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा सोचा ही भई ले छुड़ाए। फिर झटकम झटकी होने लाग गई तिल भर भी वा सर की नाय। झटकम झटकी होने लाग गई तिल भर भी वा सर की नाय। झटकम झटकी होने लाग तिल भर भी वा सर की नाय। पहलवान की भीम न जाकर बेल दाबली। एक मिनट रुक जाओ, बात सुन लो फिर दे दियो। भीम न जाकर बेल दाबी और दाबते पहलवान चलता चलता एकदम झटका लग गया। पीछे मुड़कर देखा, ओहो बेल तो किसी ने दाबली। अब दाबली तो उसने सोचा झटका मार के छुड़वा ले। झटका मारा हाली भी गोना, फिर झटका मारा ना हाली। झटका में दुखी हो गया। अब यह बात देख कर भीम ना हंसी आ गई। नुकरे पहलवान अभी तो सारी नगरी के सामने चिल्ला के ये कहता था को मर जाओ मेरी बेल दाबे। और अब इस तरह बेल हाल भी ना रही कुश्ती की तो बात दूर हंसी आ गई। हंसका क्या बोलिया भीमबली, फिर हंस कह बोलिया भीमबली, फिर हंस कह बोलिया रंग मजे का लुटे नाय। शेर ने मिल जा सवा शेरिया कुछ भी शेर का उठे नाय। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते उठे नाय। एक पैर ते बेल दाब लियो।
पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं आंड लिया मन देखे मल्ल बतेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से सोची अग भंडारी तर डर गया क्योंकि भीम ने भीम के बड़े भाई युधिष्ठिर ने मना कर दिया अग भाई कुश्ती ना लड़िए। अब इतनी देख के भीम हाथ जोड़ के उस पहलवान से एक दरख्वास्त करता है कि बोला पहलवान थे कि बोला बहुत अच्छे मल आजा मल आजा हाथ जोड़ा पूरी तरीके तब भीम अरे फिर हसके ने भीम बोलिया भीम बली फिर हसके बोलिया तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू तन खान पीन न खुराक मिले मैं हाथा से कु खाऊं सू तड़क बेरा ना कदसी हो मैं अबे लड़ना चाहूं सू तड़क बेरा ना कदसी हो कहे सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा व्यों तो विचारा जा यो अलका यो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा जा ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल का रज सारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा मुझे क्या मना करते आ कुश्ती नहीं लड़ेंगे क्यों क्यों भंडारी मर जाएगा वो लड़का है। कोई भी औरत हो उसका पति कितना है कमजोर हो अपने पति की पहाड़ पर की ओट होया करे कोई छेड़ देगा बुलाऊं यो सपोर्ट होया करे। लेकिन जब द्रौपदी ने अपने पति की एक कमजोर बात सुनी बता तो सकती नहीं कि मेरा वो पति है पर अंदर ही अंदर छो आ गया। उस रानी तनु बोली के रानी जुबान न लगाम दे के बोली दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड जे भंडारी मारा हार जा धड़ ते गर्दन दिए पाड़ ऐसे ऐसे मल न पुते कितने धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे मल न पुते कितने धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे मल न पुते कितने धरती में दिए गाड़। नुबली लड़न दे जय भंडारी आ रिया मेरी गारंटी। बोला ठीक है दोनों पहलवान अखाड़े में लाए दोनों ने हाथ मिलाया चार तामड़ी भर का दूध लेकर आए नु पियो पहले पहलवान का नहीं गया आधी पी आधी पी को पड़ गया अब नहीं बस की बात भी हिमना के कदे दूध देखा था तो खान का ही भूखा था। अब उन्हें पकड़ कर मारी लात गम गम चारवाने खींच कर दोनों कुश्ती लड़ने लगे। किस प्रकार से कुश्ती लड़ी कौन जीतेंगे बताया दोनों मलला छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चुमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए एक हाथ ते पकड़ी कलाई भीम ने एक हाथ ते पकड़ी कलाई एक ते लिया पाँव दबाए फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पोचा जाए भीम बली का दाव लग्या जब सिर ते ऊपर लिया ठाए भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया ठाए भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया ठाए अच्छा
घूमे लेगा पहलवान करे तो त्रिफड़ावर भीम नू घूमे। अब आदमी भी तोड़का नहीं था, आजकल तो पांच पांच हाइट रहेगी मर्द की कम, मतलब सिस्टम नॉर्मल, एक का दुक्का हो कोई बेरा नहीं। और पहले तो आदमी फिर जो चालीस चालीस फुटे होया करते, अदर ठा लिया नू अनु लेके घूमे पहलवान घबरावे। हेरा सीधा लेड़ा हो गया फुल्ला नहीं समाया जी, दोनों आँख मीचली कर डिना चारों तरफ लखाया जी, ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी, ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी, ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। फिर आका गम दे से गेरा, उस जीवित मल पहलवान की खासियत थी अक वो किसे तभी लड़ ले वो फिर बचा नहीं करता। और भी हमने वो देख मारा सबना का चेक करा कि भाई जीवित मल तो नहीं रही। अब राजा ने बड़ी खुशी हुई कि तेरी नगरी की बेइज्जती हो थी, इस भंडारी ने तेरी इज्जत डांटी है। राजा ने भरी सभा में घोषणा करी, एक ऐलान करा के मन चाही तो पूरी हो जाना पूरी होती चाहना जी, आज ते पछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी, महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी, गाने वाला सुनने वाला भवसागर त्र जाना जी, करया बात का तोड़ बुजुर्गो इप मत दियो उलाना जी।